हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं गणपति का जो टूल है वो लेके आई हूँ, और टूल के सहारे आज डिज़ाइन आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। मेहंदी कोन के सहारे आप लोगों को, बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है मुझसे कि टूल खरीदने के बाद के कैसे हम लोग टूल को इम्पोर्ट करते हैं हाथ में, या फिर इसका जो लेआउट है हम कैसे निकालें। सिंपल है कि इसको इंक पैड में डुबो के हमें हाथ में अच्छे से प्रेस कर देना, ऐसे जैसे मैं कभी कर रही हूँ। देखिए, लेआउट आ गया ना। अब हम लोगों को अपना कोन उठाना है और सिंपल से इसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है टूल ख़रीदने के बाद के, मैडम इसको क्या मेहंदी में डिप करना है? बिल्कुल भी नहीं, इसे हमें मेहंदी में नहीं डिप करना है, इसको इंक पैड में डिप करना है। वाटर बेस इंक पैड होता है तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर नहीं मिलता आपको तो नॉर्मल मार्केट में जो किताब कॉपी की दुकानें होती हैं वहीं पर आपको इंक पैड जो है अवेलेबल हो जाएगी बहुत आसानी से। और देखिए, हमारा जो गणपति का जो लेआउट है वो बहुत आसानी से बन गया, और मैंने इसे पूरी तरीके से फिलअप भी कर दिया। तो अब दिखा रही हूँ कि बहुत लोगों का कहना है कि स्टैम्प तो लगा दिया, अब इसे हम पूरे हाथ में फिलअप कैसे करें। जी बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं हम। मैंने यहाँ पे फिलर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहो तो रिवर्स एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो चेक बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से फुल हैंग जो है कवर हो जाता है, आपका फिगर ड्राइंग भी बहुत आसानी से हो जाता है टूल के सहारे। आपको अगर टूल लेना है तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर आप लोग हमें DM कर सकते हैं डायरेक्टली, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो प्लीज़ 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 हम लोगों को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जो भी मेहंदी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।